Good morning and welcome. You're watching the morning news on CNN News 18. I am Aisha Varma. Our top focus is on the NDA's pick for the vice presidential vote. भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। Again, the land of warriors from Rajasthan, we have a farmer's son from a very simple, humble background. उपराष्ट्रपति के लिए एक किसान का बेटा, जिसने साधारण किसान के घर में जन्म लेकर के पहचान बनाई, वो देश के उपराष्ट्रपति होंगे। मुझे लगता है कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी और राजस्थान के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय नहीं है। इस बारे में हमारे पार्टी 21 जुलाई 4 बजे शाम को एक मीटिंग बुलाए हैं। जिसको उन्होंने उम्मीदवार बनाया है वो इस आधार पे नहीं बनाया कि वो कोई कॉम्पिटेंट आदमी है, वो कोई देश के हित में है। NDA has picked Jagdeep Dhankar as their vice presidential candidate. With a public service career spanning 3 decades, Jagdeep Dhankar currently serves as the governor of Bengal, a post he has held since 2019. He has been dubbed by the BJP as Kisan Putra and the people's governor. Prime Minister Modi tweeted that Jagdeep Dhankar is a man known for his humility. He also said that Dhankar brings with him an illustrious legal, legislative and gubernatorial career and has always worked for the well-being of farmers, youth, women and the marginalized. The last day for nominations is July 19th and the elections to pick the country's next vice president will be held on the 6th of August. सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अथाह मेजोरिटी है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के लोग ही मेंबर्स ही वोट देते हैं, इसलिए उनका उम्मीदवार वाइस प्रेसिडेंट जीत ही जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिसको उन्होंने उम्मीदवार बनाया है वो इस आधार पे नहीं बनाया कि वो कोई कॉम्पिटेंट आदमी है, वो कोई देश के हित में है। वो जो भी फैसला करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हित में, सिर्फ राजनीतिक फैसला है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या फायदा पहुंचेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल की वो शासन प्रशासन के साथ उन्होंने जो संविधान के रक्षक के रूप में कार्य किया, उसको हम लोग याद रखते हुए उनका जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है देश की, इतना बढ़िया पोस्ट पर उसको अभिषेक हो रहा है, इसके लिए पूरा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में खुशी का लहर है। आज बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का प्रेसिडेंशियल चुनाव के लेकर मीटिंग था, वहाँ भी हम लोग रेजुलेशन पारित किया। प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी को हम लोग धन्यवाद दिया। इस बारे में हमारे पार्टी 21 जुलाई 4 बजे शाम को एक मीटिंग बुलाए हैं।
जिनमें सभी सांसद गण रहेंगे। इसके अलावा हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है लोग नेता लोग भी रहेंगे, और उस समय जो निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग कैसे संसद में कौन सी मुद्दा हम उठाएंगे और उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में हमारा पार्टी का क्या भूमिका होगी, ये निर्णय लिया जाएगा हमारे नेत्री सुश्री ममता बनर्जी के निर्देश पर। देखिए धनखड़ जी बहुत ही अनुभवी हैं, विद्वान व्यक्ति हैं और एक साधारण किसान परिवार के बेटे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और एनडीए ने उनको उपराष्ट्रपति का जो कैंडिडेट बनाया है पूरे देश भर में हर्षोल्लास है, और राजस्थान में तो बहुत ही लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं कि राजस्थान की माटी का बेटा देश के उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं, वो बनने जा रहे हैं, हम बधाई देते हैं। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है, और किसान परिवार से और गांव से जुड़े हुए जगदीप धनखड़ जी हैं, बड़े वकील भी हैं लेकिन किसान भी हैं, तो हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। किसान का बेटा उपराष्ट्रपति गद्दी पे बैठेगा तो सबके लिए खुशी की बात है। धनखड़ जी को हार्दिक बधाई और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी को बधाई, बहुत अच्छा निर्णय है, और जो वस्तु स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए और खासतौर पे राजस्थान का नेतृत्व करेंगे वो राज्यसभा में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे राजस्थान के किसी व्यक्ति को बिठाना अपने आप में बहुत बड़े सम्मान का विषय है। बिग थिंग, यू नो, फर्स्ट टाइम जाट इज बिकमिंग ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर धनखर, सो वी आर वेरी हैप्पी। मोदी जी इज ब्रिंगिंग डिफरेंट थिंग्स, like even our president is going to be from the tribal, so he is bringing lot of revolutionary things which is very very appreciated by everyone, all of us। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है जिस तरह से काम करता है आपने देखा होगा कि कोई भी वर्ग कोई भी ऐसा वो नहीं बचता है कि जहाँ से प्रतिनिधित्व जो है वो हमारी सरकार या हमारा संगठन ना देता हो, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और खासकर जो हमारा हरियाणा है वो तो जाट बाहुल्य एरिया है, तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि हमारे जो गवर्नर हैं जगदीश धनखड़ जी, उनको उपराष्ट्रपति के लिए मनोनयन वो इलेक्शन जो उनका होगा, बहुत बहुत मुबारकबाद।